हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फी, हरियाणा का नंबर वन कोचिंग सेंटर। ऐसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, वक्ताओं ने, कि 30 तारीख को चुनाव होगा और आज पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश एलनाबाद की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है ये क्या फैसला लेने जा रहे हैं। उसका आज आपके फैसले का दूरगामी असर पड़ना है। सरकार बनने बिगड़ने में साझी नहीं होगा, क्योंकि एक MLA का सवाल है, लेकिन जैसे मैंने कहा, दूरगामी इसका असर पड़ना है। आगे राजनीति क्या मोड़ लेगी, कहाँ जाएंगे, इस बात पे होगा। अब मुख्य रूप से यहाँ पर 3 उम्मीदवार हैं, एक कांग्रेस पार्टी का है, एक भाजपा जजपा का है और एक इनेलो से है, 3 यहाँ हैं। तो जहाँ तक सवाल है भाजपा और जजपा का, इनका घोषणा पत्र उठा के देखो आप। पहले भाजपा का और अब गठबंधन बना जजपा का और भाजपा का, क्या क्या वायदे आपसे करके गए ये, और कौन सा वायदा किया पूरा? क्या किसान से क्या वायदा किया था कि MSP देंगे, MSP नहीं देंगे तो जजपा वाले कह रहे थे हम बोनस देंगे, इतनी नौकरियां देंगे, क्या क्या, मतलब बिल्कुल सैकड़ों वायदे थे। मेरा आपके माध्यम से चैलेंज है इनको, जजपा और भाजपा को, एक भी वायदा पूरा किया दोस्तों। ये कहा था किसान को स्वामीनाथन का भाव देंगे, MSP देंगे। मैं सारे हरियाणा में घूम के, जो परेशानी आज किसान को हो रही है, अरे जहाँ धान पैदा करता किसान, वहाँ धान से मंडियाँ भरी पड़ी हैं, उसको भाव नहीं मिल रहा, लाइन में खड़ा है अपने धान बेचने के लिए और खाद लेने के लिए, DAP खाद नहीं मिल रहा, डीजल का और पेट्रोल का भाव देख लो क्या हो गया, मतलब हर तरफ से किसान को और गरीब आदमी पर, तो गरीब आदमी की रसोई कितनी महंगी होती जा रही है, उसके लिए जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो गया। मनरेगा में जो मजदूरी मिलती है गरीब आदमी को, ये हरियाणा सरकार उसको भी मजदूरी नहीं दे रही, और व्यापारी तो ये कह रहे हैं भाई हमारा मुनाफा तो गया दूर, हम तो पूंजी खा रहे हैं, कब तक ये पूंजी खाएंगे। कर्मचारी हैं वो सड़कों ही पे रहते हैं, तो कोई भी वर्ग खुश नहीं, ना व्यापारी, ना किसान, ना कर्मचारी, ना ग्रामीण, ना शहरी, कोई भी एक वर्ग भी आज से नहीं, क्योंकि कोई काम किया नहीं। ये तो जो गठबंधन की सरकार बनी है, ये कोई आप लोगों के हित में नहीं, हरियाणा के किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी के हित में नहीं है, ये तो भाई स्वार्थ का है। कोई नीतिगत तौर पे इनका गठबंधन नहीं बना, क्योंकि चुनाव में आपने देखा होगा जजपा वाले तो कहते थे कि भाजपा को जमुना पार फेंको, और भाजपा वाले कहते थे हम 75 पार जाएंगे, एक कहता 75 पार, एक कहता जमुना पार, दोनों की सरकार बनी नहीं। उसके बाद देखा अब दोनों बन गए यार, थारे लिए नहीं, मतलब अजीब तमाशा देखा मैंने, राजनीति का मजाक उड़ा दिया। अब यहाँ चुनाव हुआ, सवाल आया, मेरा राजनीतिक तजुर्बा बहुत, मैं गठबंधन होते हैं और जब कोई टिकट का बात आती है तो जो गठबंधन के भागीदारी होती हैं पार्टियाँ जो मिली हुई होती हैं, उनमें झगड़ा होता है, भाई हम लड़ाएंगे, वो कहेगा हम लड़ाएंगे, हमारे को सीट दो। यहाँ अजीब तमाशा देखा हमने, यहाँ JJP वाले कह रहे हम नहीं लड़ाते भाई, BJP वाले कह रहे हम भी नहीं लड़ाते, फिर क्या हुआ, हलोदा एक और पार्टी थी, उसको अपने उम्मीदवार बना दिया हलोदा से। कल
एक कार्टून था अखबार में, उसमें गोपाल कांडा जी हमारे साथी रहे, मित्र हैं भाई मेरे, विधायक रहे हमारे साथ, और अजय चौटाला जी इकट्ठे बैठे, और उसने लिख रखा, एक ने एक अपने भाई को हराने के लिए बैठा है, एक अपने भाई को जिताने के लिए। क्या हो गया भाई, इनका पता ही नहीं क्या गठबंधन के हैं, इनके गठबंधन का नतीजा क्या है। इनका नतीजा ये है, 2014 में जो हरियाणा पूरे देश में प्रति व्यक्ति और प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर एक था, सबसे ऊपर था, ये मेरी बात नहीं तो रिकॉर्ड की बात है, पूरे देश में हमारे से आगे कोई नहीं था, आज हम पिछड़ गए। और आज किस चीज़ में हम नंबर एक, हम नंबर एक हैं बेरोजगारी में, हम नंबर एक हैं अपराध में, बहुत सारी चीज़ों में दुनिया देश में दूसरे नंबर पे हैं या तीसरे नंबर पे हैं। तो ऐसी परिस्थिति है यहाँ। ये तो बीजेपी जजपा की बात सुनाई तुमने, फिर दूसरे उम्मीदवार हैं अभय जी, अभय चौटाला जी मेरे साथ विधायक रहे, कई बार संबंध हैं, मित्र हैं, तो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लेके आया मैं जब इस सरकार के खिलाफ, तो एक माहौल बना इस सरकार के खिलाफ, और इस सरकार ने कोशिश की, एक तो हमारे आदमी को डिस्क्वालीफाई हो गया पिटीशन में, चलो वो तो कोर्ट ने फैसला किया था, फिर रीइंस्टेट हो गया। दूसरा, अभय चौटाला जी ने इस्तीफा दे दिया वोट डालने से पहले, भाई अविश्वास प्रस्ताव में वोट डालने के बाद भी दे सकते थे ना, अगर इस सरकार के खिलाफ थे तो, लेकिन वोट डालने से पहले इस्तीफा दे गया। और कहा क्या, ये कहा कि तीन जो एक कानून हैं, कृषि कानून, इनके विरोध में दे रहा हूँ, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा अभी उसका। हमारे किसान भाई बैठे हैं, पूरे देश में इस बात की चर्चा है, आपने देखा किस तरह अन्याय उत्तर प्रदेश में हुआ, किस तरह किसान वहाँ रोंदे गए पीछे से, वहाँ जैसे डॉक्टर केवी सिंह ने बताया, प्रियंका गांधी जी भी गई, दीपेंद्र भी गया उनके साथ, तो वहाँ एक माहौल पैदा हुआ। तो ये कानून, कहा कि मैं कानूनों के खिलाफ इस्तीफा देता हूँ और इस विधानसभा में कोई फायदा नहीं जब तक कानून वापस ना हो। तो मेरा एक ही सवाल है अभय चौटाला जी से, भाई वो तीनों कानून वापस हो गए के जो दोबारा आप लड़ रहे हो, वापस हो गए हों तो मैं खुद स्वागत करूँगा उनका। हाँ भाई लड़ो, आपने जो बात कही थी तीनों कानून जो है वापस हो गए, अब चुनाव लड़ो, लेकिन कानून तो वहीं के वहीं हैं, कोई वापस नहीं हुए, तो फिर क्यों इस्तीफा दिया था भाई। तो ये आपके सामने, आपको सोचना है आपके हित में क्या है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, एक तरफ इनेलो है, एक तरफ भाजपा है और जेजेपी है, और साथ अब हालोदा भी आ गई, तीन हो गए, तो आपके सामने है। तो फैसला तो आपने करना है, आपके हित में क्या है, एक ही फैसला है आपके हित में, पूरे प्रदेश के हित में, आपके हित में, छत्तीस बरादरी के हित में, कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से जिताओ, आप कांग्रेस पार्टी को जिता के भेजोगे तो भाई आगे आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। अब जो प्रकार करें, आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि बयान था कि भाई बहुत अच्छे वायदे पूरे किए हमने, एक वायदा कर क्या कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री है इसमें 75% नौकरी हरियाणा वासियों को देंगे। ये इतना भद्दा मजाक किया है हरियाणा के युवाओं के साथ, उनको बर्बाद करने का काम किया इन्होंने। क्या डोमिसाइल होता है, पूरे हिंदुस्तान में सारी स्टेटों में डोमिसाइल 15 साल का है, क्योंकि 15 साल कम से कम यहाँ रह रहा हो उसको डोमिसाइल दो, उसका हक बनता है हरियाणवी उसमें जहाँ रिजर्वेशन हो हरियाणा के नाम की।
इन्होंने दो किस्म के डोमिसाइल बना दिए, जो प्राइवेट नौकरी में लेने वाले हैं उनका डोमिसाइल 5 साल, दूसरों का 15 साल। फिर हरियाणा के लोगों को कहाँ मिलेगी भाई, बताओ मेरे को। मैंने असेंबली में उठाया था, मैं ये वापस लो, 15 साल डोमिसाइल पूरे देश में लागू है तो हरियाणा में 15 साल का लागू करो। लेकिन नहीं, कोई मतलब नहीं। तो कोई भी एक भी काम इस सरकार का ऐसा नहीं कह सकता, हमने भी समय दिया था इनको 2 साल, यह अभी सरकार बनी, मैं भाई 2 साल हम आपको देखेंगे, अच्छा काम करोगे। मैं तो प्रजातांत्रिक आदमी हूँ, मैं अच्छा कहूँगा, और भाई जनहित का काम नहीं करोगे तो डट के विरोध करेंगे। 2 साल की इनकी परफॉर्मेंस देख के इस नतीजे पर पहुँचे हम, इन्होंने एक काम भी जनहित में नहीं किया, किसान का, मजदूर का, गरीब आदमी का, एक काम बता दो। ये अपने स्वार्थ में गठबंधन बना रखा है, अपने स्वार्थ, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, आप देख लो कहीं भी इतना भ्रष्टाचार। मैं दिल्ली जाता हूँ तो दिल्ली में जिनका हरियाणा से वास्ता नहीं, वो लोग कहते हैं मेरे को ये हरियाणा में तो लूट मच रही है, आप आवाज़ उठाओ। मैं, हम तो आवाज़ उठाए हैं भाई, ये असली असली आवाज़ तो लोग उठाएंगे, ये आपके सामने है। अब यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कहा, खैर उन्हें वापस ले लिए अपने लफ्ज, मैं उसकी कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। फिर उन्होंने एक भाषण में कहा था, लठ ठा लो, आपने भी सुना होगा। तो जब मैंने ऐतराज़ किया तो उन्हें वापस ले लिया। भाई मैं लठ ठान की बात तो कहने नहीं आया हूँ आपको, लेकिन मैं एक बात कहने आया हूँ, इनको वोट की चोट से मारो। वोट की चोट जो है, देख लठ की तो भाई 2 दिन में ठीक हो जाएगी, 3 दिन में ठीक हो जाएगी, पर वोट की चोट 5 साल दुखेगी। तो ऐसी चोट मारो जो 5 साल दुखे इनको। इन्हीं शब्दों से मेरा सबसे निवेदन है, कांग्रेस पार्टी को 36 बरादी एक होकर ज्यादा से ज्यादा वोटों से यहां से कामयाब करो। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद।